हैं, ठीक है। जैसे मान लो रेट इज इक्वल टू 10% है, ठीक, और टाइम इज इक्वल टू 1.5 साल है। 1.5 साल है, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला कब काम नहीं करेगा, क्या हो गया मैडम, कुछ नहीं, फॉर्मूला काम कब नहीं करेगा, जैसे 1 साल 3 महीने हो गया, 1 साल 5 महीने हो गया, 1 साल 73 दिन हो गया, ऐसे क्वेश्चन हमने देखे होंगे एग्जाम में। तो जैसे रेट इज इक्वल टू 10% है, टाइम इज इक्वल टू 1.5 साल है, और प्रिंसिपल इज इक्वल टू कुछ भी ले लो 40,000 है, और हमसे क्या पूछ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक तो हम इसे फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम 40,000 का 10% निकाल लें, और फिर इस तरह CI निकाल लें और उसे हाफ कर दें। दूसरा काम ये कर सकते हैं, लेकिन ये काम कब डिस्टर्ब हो जाएगा, मान लो कभी हमें CI दे के क्या पूछ लिया, प्रिंसिपल, तब वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, और तब फॉर्मूले भी ख़त्म हो जाएंगे हमारे पास, है ना। तो बेसिकली समझना कैसे, आप समझो, मैं आपसे बोलूँ कि 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है, क्लियर। कभी भी आपको, जैसे उसने दिया 1 साल 6 महीने, 1 साल से अगर 1 दिन भी ज्यादा दे देता है तो उसे हम ट्रीट करेंगे एज अ 2 ईयर्स। कैसे ट्रीट करेंगे, 2 ईयर्स, क्लियर। अगर वो बोले 1 साल 3 दिन तो कितना लेंगे, 2 साल, ठीक। उसने बोला 2 साल 1 महीना, कितना साल लेंगे, 3 साल, ठीक। उसने बोला 2 साल 9 महीने, कितना लेंगे, 3 साल, मतलब 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा 2 साल, 2 साल से कुछ भी ज्यादा किया तो 3 साल, 3 साल से कुछ भी ज्यादा किया तो 4 साल। आ रही बात समझ में, ठीक। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि भाई 1.5 साल था, हमने इसको ट्रीट किया 2 साल जैसे, अगर मैं आपसे बोलूं 2 साल की क्या टेबल बनाना मैंने सिखाई थी, है ना, अगर मैं 2 साल के लिए बोलूं प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल क्या होगा, क्यों, 10 का स्क्वायर, 3 साल होता तो क्यूब कर देते, है ना। फिर मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या लिखते हैं, फिर ऐसा ही होता है, ये कौन सा फर्स्ट ईयर, और ये ऐसे ही तो चल रहा है ना, ठीक। आप ये देखो कि हमने पैसा लगाया 1.5 वर्षों के लिए, 1.5 वर्षों के लिए लगाया, यानी क्या पहले वर्ष की आपको पूरी ब्याज मिलेगी, पहले वर्ष की जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, उसमें पूरा हक हमारा है, ठीक है। तो पहले साल की जो ब्याज है वो कितनी मिली, 10 मिली, ठीक। अगर मान लो कि ये पैसा दूसरे साल पूरे टाइम लगा होता तो हमें CI कितनी मिलती, अगर पूरे टाइम तक पैसा लगा होता तो हमें कितनी मिलती, 11। क्या पूरे टाइम लगा है, अगर हमने आधे टाइम के लिए लगाया तो CI भी क्या हो जाएगी, आधी। अगर हमने 1/4 टाइम के लिए लगाया तो CI कितनी हो जाएगी, 1/4। बात समझ में आ रही है, यानी अगर हम दूसरे साल के लिए पूरा लगाते तो पूरी हमें इंटरेस्ट कितनी मिलती, 11, लेकिन हमने लगाई 6 महीने के लिए, है ना, तो हमें 1/2, यानी 1/2 CI मिलेगी इसकी, की नहीं मिलेगी, यानी कितनी मिलेगी, 5.5। तो पहले साल की मिली 10, और फिर आधे साल की कितनी मिली, 5.5, यानी टोटल कितनी, 15.5। ही कौन है, CI मिल गई आपको, प्रिंसिपल गिवेन है, प्रिंसिपल आपका कितना है, 100, इसकी वैल्यू कितनी है, 40,000, ठीक। हमें किसकी बतानी है, 40,000 गुणे बटे, या ऐसे यहीं से काट लेते, जो भी करना हो तुम्हारा काम है, इसका आंसर ये आ जाएगा, क्लियर। ये भी कर सकते थे हम कि 40,000 का पहले 10% निकाल लेते, फिर उससे 10%, और फिर इसका 10% निकाल लेते, पहले 40,000 का 10% निकालते कितना आता, 4,000, दूसरे साल भी कितना आता, 4,000, और 4,000 का 10% कितना आता, 400, तो ये तो पूरी मिलती 4,000, है ना, और ये हो जाती कितनी, आधी, 4 और कितना, 4,400 का आधा कितना, 2,200, तो कितनी बन जाती, और ये इतने में आंसर आ जाता। लेकिन ये चीज कब बिगड़ जाएगी, जब हमको क्या दे देगा, अब पूछ क्या लेगा, घूम गए। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, क्लियर है बात, अच्छे से, बहुत अच्छे से, कोई डाउट यहाँ तक, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। सेकेंड मैटर बोल सकते हो, कहीं पर कोई भी डाउट हो पूछ लेना। मैम
रेट इज इक्वल टू है 20%, टाइम इज इक्वल टू है 1 ईयर 73 डेज। ये क्वेश्चन बहुत दिनों से फैशन में चल रहा है, ठीक है। और CI मान लो दी है 1240 रुपये, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, रेट दिया है, टाइम दिया है, CI दिया, और पूछा क्या है, प्रिंसिपल, है ना। तो अगर मैं सबसे पहले क्या करूं कि 73 डेज को ईयर में चेंज कर लूं, है ना। तो अगर एक साल की हम बात करें, एक साल में कितने दिन होते हैं, 366। अगर हम डिवाइड करें, कर लेना, तो 1/5 बनेगा, है ना। 7×5=35, 3×15, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 1 सही 1/5, 1 whole 1/5 ईयर। यानी जो हमारा टाइम है वो कितना है, 1 whole 1/5 ईयर है, क्लियर। अब हम यहाँ पर देखें तो अगर हम रेट की बात करें, दरवाज़ा बंद कर दो भाई, ठंड आ रही है, हाँ। अगर इसकी हम बात करें, कितनी वैल्यू होती है, 1/5, है ना। अच्छा, अगर एक साल 1/5 ईयर है तो हम इसे ट्रीट करेंगे कैसा, दो साल के जैसा। क्यों, क्योंकि एक साल से एक भी दिन ज्यादा हो, है ना। तो दो साल का अगर हम प्रिंसिपल देखें, तो अगर 1/5 है तो प्रिंसिपल दो साल का 5 का स्क्वायर 25 बोल सकते हैं क्या, हम ग्राफ बना सकते हैं, ट्री, हाँ, सबसे पहले, फिर क्लियर। ये कौन सा साल है और ये, क्लियर। पहले साल की इंटरेस्ट पूरी कितनी मिलेगी, 5, और दूसरे साल पे टोटल मिलनी चाहिए थी कितनी, 6, लेकिन क्या 6 मिली नहीं, हमने लगाया कितने के लिए, 1/5 के लिए। अगर मैं लगाता 1/2 के लिए तो ब्याज मिलती 3, है ना। अगर मैं लगाता 1/4 के लिए तो ब्याज हो जाती 6/4, लेकिन अभी पैसा लगा है 1/5 के लिए, तो ये कितना बन जाएगा, 6/5 कितना हुआ, 1.2, यानी ये कितना हो गया, 6.2 क्या बना, CI, क्लियर। हमें CI की तो वैल्यू दी है 6.2 की, कितनी, 1240। पूछता किसकी है, 25 की। अब आगे हम उसे आर कर सकते हैं, उत्तर क्लियर, कोई डाउट किसी को कहीं पर, क्लियर अच्छे से, ऐसे बढ़िया नोट कर लें है भैया। CI इज इक्वल टू 5168 रुपी एंड प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हो सकता है, करने की कोशिश करें इसको, नोट कर लेना फिर, हाँ, पहले मुझे बता दो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो दो साल 2 whole 2/5 ईयर है, ट्रीट करेंगे 3 साल की तरह, ठीक। 10% की रेट सोचो, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 3 वर्ष है तो प्रिंसिपल 10 का क्यूब हो गया कितना, 1000, ठीक। ट्री बनाना आता है, सारे लोग बताने की कोशिश करें, सबसे पहले, फिर याद है, ठीक। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, ठीक। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक तो पूरे साल है ना, दो साल तो हमारे पास पूरे पूरे, यानी पहले की इंटरेस्ट कितनी मिलेगी, 100 पूरी, दूसरे की 110। अगर थर्ड ईयर हमारा पूरा होता तो हमें इंटरेस्ट मिलती कितनी, 121, लेकिन अभी क्या होगा उसका, 2/5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी 121 का हम क्या निकाल दे, 2/5, क्या आप निकाल पाओगे, ठीक। उसके बाद तीनों को क्या करोगे, ऐड कर लोगे, ये क्या निकल के आएगा, CI, ठीक। हमको यही की वैल्यू कितनी दी है, 5168, और निकालनी किसकी है, आई होप हो सकता, क्लियर है बात, कोई डाउट, ऐसे क्वेश्चन उड़ा के फेंक सकते हैं, बिल्कुल, लिख लो, इनको हार्ड माना जाता है। पढ़ा था वो, हमने कंपाउंड टेस्ट पढ़ रहे थे जिसमें हमने 2 और 3 साल तक का पढ़ा था, है ना। आज हम लोग उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं, जैसे कभी कभी हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आ जाते हैं, हाफ ईयरली क्वार्टरली, सुना होगा,
कि अर्धवार्षिक ब्याज मिल रही है या क्वार्टरली ब्याज मिल रही है, मतलब तिमाही ब्याज मिल रही है। अच्छा, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? क्वार्टर कितने महीने का होता है? और लीप ईयर में तीन ही महीने का हुआ है ना, चाहे लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो। ठीक है, तो बेसिकली पहले जैसे मैं फॉर्मूले आप लोगों को लिखा देता हूँ सिर्फ देखने के लिए, उस इसमें भी फॉर्मूले सिर्फ लिखा देता हूँ देखने के लिए। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, जैसे कभी भी हाफ ईयर है, कभी भी हमारा क्या है, हाफ ईयर है, तो हमें पता है क्या कि एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, दो हाफ ईयर होते हैं। ठीक है, एक साल में दो हाफ ईयर होते हैं, छः छः महीने का है ना, तो हमें क्या करना है, रेट में दो से डिवाइड कर देना और टाइम में दो से मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना है, रेट में दो से डिवाइड और टाइम में दो से मल्टीप्लाई। जैसे हमारा जो फॉर्मूला था, क्या अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर, यही था ना, तो हमें रेट में टू से डिवाइड कर देना है और टाइम में टू से मल्टीप्लाई। क्लियर, सिर्फ देखना है, इसको लिख लेना है, कॉपी अच्छी लगनी चाहिए कि हाँ हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ी है। बाकी जब हमने अमाउंट इज इक्वल टू पी वाला फॉर्मूला ही नहीं यूज़ किया पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इसको भी यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर, अच्छा, जैसे हम बात करें क्वार्टरली की, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, चार, यानी रेट को किससे डिवाइड करेंगे, चार से, और टाइम में चार से मल्टीप्लाई। क्लियर, हाफ ईयरली में रेट को टू से डिवाइड, डिवाइड किसको करना है, रेट को, मल्टीप्लाई किस में करना है, टाइम। ठीक है, रेट को टू से डिवाइड, टाइम में टू से मल्टीप्लाई, और क्वार्टरली है तो रेट को फोर से डिवाइड, टाइम में फोर से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको आप सजा के लिख लो कॉपी में, कोई काम नहीं है इसका, बस लिखना बस है। उसने क्वेश्चन दिया कि भाई रेट बराबर 20% है, रेट बराबर कितना है, 20% है ना, टाइम बराबर जो है वो कितना है, 1.5 साल। ठीक, और उसने दिया कि भाई जो हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, वो कितनी है, 6620 रुपीज है। क्लियर, और हमसे मैडम हमसे क्या पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल। टेक क्वेश्चन को फिर से समझो, क्या क्वेश्चन में दिया है उसने बोला, अब ऐसा लिख कर नहीं आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, वो लिख के देगा क्या कि भैया किसी व्यक्ति ने कुछ पैसा लगाया, अमाउंट इन्वेस्ट किया है ना, कितने वर्षों के लिए, 1 whole 1/2 year के लिए, जिसमें रेट कितनी थी, 20% पर एनम, तो उससे उसे 1.5 साल में हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट यानी अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलता है वो है 6620 रुपीज, तो बताना क्या है प्रिंसिपल। ठीक, तो एक तो हम लोग फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया था, दूसरा हम क्या कर सकते हैं आप समझो, मैंने बोला था टाइम में किससे मल्टीप्लाई कर देना, दो से, 1.5 साल में दो से मल्टीप्लाई करो, 3 साल हुआ, 1.5 साल है, अगर दो से मल्टीप्लाई करोगे 1.5 × 2 कितना होता है, 3 साल। और क्या बोला था कि रेट में दो से डिवाइड कर लो जरा, कितना आएगा, 10%। क्लियर, अगर मैं आपसे बोलूं 10% की वैल्यू कितनी होती है, बताओ, 1/10। क्लियर, अगर मैं बोलूं कि प्रिंसिपल और अमाउंट हमें बनाना है, देखो हमारे पास रेट और टाइम बदल गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट और ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है कि जो ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट होती है उसमें हर साल के बाद इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होता है, और हाफ ईयरली में क्या होता है, आधे साल बाद ही। जैसे एक एग्जांपल मैं लूँ, रेट कितनी है, 10%, एक साल चल रहा है ईयरली और एक साल चल रहा है क्या, हाफ ईयरली, और अगर हम दो वर्षों का देखें, कितने वर्षों का, दो वर्षों का, अगर हम बोले प्रिंसिपल 100 रुपये था, प्रिंसिपल कितना था, 100 या 1000 कर लो, 1000 था, तो अगर हम एक साल बाद देखें तो एक साल बाद ये कितने हो जाएंगे, 1100। क्लियर, लेकिन इसको एक साल बाद आप नहीं देखोगे, इसको कितने महीने बाद देखोगे, 6 महीने। ठीक, पहले 6 महीने बाद इसमें इंटरेस्ट मिलेगी, अब फिर जो बनेगा, जैसे प्रिंसिपल मैं 1000 लेके चलता हूँ, 1000 अगर मैं प्रिंसिपल लेके चलूँ तो 6 मंथ बाद 10% का आधा मिलेगा, 5%, यानी ये हो जाएंगे कितने, 10,050। ठीक, फिर जो अगले 6 महीने हैं वो किसमें ब्याज मिलेगी, 10,050 नहीं, 1050। क्लियर, यानी हम बोल सकते हैं कि जो ईयरली वाला होता है उसमें 1000 रुपये में ही इंटरेस्ट मिली, कितने महीने तक, 12 महीने तक। ठीक, और जो हमारा हाफ ईयरली वाला था उसमें 6 महीने तक तो मिली कितने में, 1000 में, लेकिन 6 महीने बाद कितने में मिलेगी, 1050।
यानी कभी भी अगर हमारा प्रिंसिपल सेम है और ईयर्स सेम है तो हमेशा जो हमारी हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट होती है वो ईयरली से ज़्यादा मिलती है, और सबसे ज़्यादा कौन सी मिलती है? क्वार्टरली। क्यों? क्योंकि वो 3 महीने में ही ऐड करने लगते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या करना था हमें, आप ये देखो कि क्वेश्चन में हमने रेट और टाइम अपने हाथ से बना लिया, हमने रेट में 2 से डिवाइड कर दिया और टाइम में 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अब जो हमारे लिए क्वेश्चन बन गया वो बहुत सिंपल सा हो गया कि भाई हमारे पास टाइम कितने साल का है? 3 साल का, और जो हमारी रेट है वो कितनी है? 10%। आप खुद बताओ, अगर 1/10 है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, अगर 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष है, तो प्रिंसिपल जो होगा वो 10 का कितना हो जाएगा? क्यूब। 10 का क्यूब 1000, और जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। क्लियर? हम बोले सीआई कितनी है, क्वेश्चन खत्म हो गया। 331 हमें एसी की वैल्यू कितनी दी है? 6620। यानी अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी? 20। हमें क्या निकालना है? 1000। कितना होगा 1000 × 20? उत्तर आ गया। आ गई बात? कोई डाउट? कुछ भी नहीं करना, मैं क्या बोल रहा हूं, हाफ ईयरली आपने पढ़ा, रेट में मल्टीप्लाई किया किससे? 2 से। टाइम में किससे? 2 से। मल्टीप्लाई टाइम में 2 से मल्टीप्लाई, रेट में 2 से डिवाइड कर दिया। रेट बन गई भाई 10%, टाइम बन गया 3 साल। अब क्वेश्चन समझ लो, 10% है, 3 साल है, उड़ा के फेंक देंगे 10%, 1/10, प्रिंसिपल हो गया 3 साल, 10 का क्यूब 1000, अमाउंट बन गया 10 × 11 का 1331। सीआई कितनी बन गई? वहां पे मैं ये समझा रहा था कि जो हमारा ईयरली में और हाफ ईयरली में डिफरेंस क्या होता है, जब हम ईयरली लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट किसी से, तो वो ईयरली पूरे में प्रिंसिपल 1 साल तक हर महीने वही में मिलेगा, और जो हाफ ईयरली होता है उसमें क्या होता है? 6 महीने उसमें, और 6 महीने बाद कुछ पैसा जुड़ गया, तो हाफ ईयरली वाला हमेशा ज़्यादा होता है और ईयरली वाला हमेशा क्या होता है? कम होता है। आ गई बात समझ में अच्छे से? कोई डाउट इसमें? हाँ, उसमें टोटल सीआई दी थी ईयरली, ठीक है, लेकिन इसमें क्या बात कर ली उसने? हाफ ईयरली। दोनों में डिफरेंस समझना, ये नहीं, बहुत बच्चा गलती क्या कर देता है कि उसने देखा 1.5 साल, तो मन में सोच लेता है ये तो क्वेश्चन है किसका? हाफ ईयरली का। ऐसा नहीं, जब तक वो ना बोले हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट, तब तक वो हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है। जब तक वो ना बोले क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट, तब तक वो क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है। क्लियर? वो क्वेश्चन में अलग से बोलेगा अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज या तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज, हाफ ईयरली या क्वार्टरली। क्लियर है? इसे नोट कर लो, ऐसे ही हमारा क्वार्टरली का बनेगा। क्वार्टरली निपटा देते हैं अभी, देखो। हाँ हाँ, तो कितना भी है तुम्हें तो क्यूब स्क्वायर सब आते ही है ना, क्यों टेबल क्यों बनाएंगे? मान लो यहाँ 2 साल होता, मान लो 2 साल होता, तो 2 × 2 तो 10^4 कितना होता? 10,000, और 11^4 निकाल लेते। समझ नहीं पाए? हाँ टेबल बना लेते, टेबल वाला तो आता ना, जो अभी मैं बता रहा था उसी हिसाब से कर लो। देखो एक खूबसूरत सा क्वेश्चन और हम लोग देख लेते, क्वार्टरली का हाफ ईयरली हो जाएगा, क्वार्टरली की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लो रेट बराबर दे दी कितनी? 40%। टाइम बराबर दे दिया कितना? 9 मंथ्स, ठीक, और प्रिंसिपल दे दिया मान लो कितना? 10,000 बहुत हो गया, 80,000 कर दो, ठीक है। पूछ रहा है क्या? क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा था। सड़ा सा क्वेश्चन, कुछ नहीं है। देखो रेट को डिवाइड करो किससे? 4 से। क्यों 4 से? क्वार्टरली, ठीक। टाइम में मल्टीप्लाई करो किससे? 4 से। 9 × 4 = 36 महीना, कितने साल? 3 साल। कितना सड़ा क्वेश्चन है, 10% 3 साल बन गया वही। 10% की वैल्यू सोच लो, 1/10, प्रिंसिपल लिखो, अमाउंट लिखो, 3 साल है, 10 का क्यूब और 11 का, 10 × 11 हो गया ना, कितना डिफरेंस? 331। यही निकालना है, प्रिंसिपल कितना है?
1000, 10 का क्यूब 3 साल है, 1000 की वैल्यू दे के रखी है कितनी, नहीं निकाल सकते, समझ पा रहे, अच्छा लग रहा है, गुड, लिख लो। तो ऐसा था हमारा क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आप घर से कर लेना, ठीक है, करके देखना और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। क्वेश्चन इज रेट इज इक्वल टू 20 कर देता हूँ मैं, 20% या हाँ ठीक है 20%, ठीक, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। टाइम इज इक्वल टू 1 साल 3 महीना, ठीक, प्रिंसिपल इज इक्वल टू है 80,000 और आपको बतानी हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट फॉर्मूला बताना है, रेट में 2 से डिवाइड और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर कितना हमारा क्या हाफ ईयरली और क्वार्टरली, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, नंबर आपको पता ही है मेरा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन एक लिखते हैं, कुछ ईयर्स के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बताता हूँ। लिखो एक क्वेश्चन, यदि कुछ प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट से, यदि कुछ प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट से नौ वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 9 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो, 9 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह अपने आप का, कितने वर्षों में यह अपने आप का 64 times हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। आई थिंक मैंने SI में ऐसा क्वेश्चन कराया था, ओरल वाला, ठीक, इसको भी हम ओरल बिना पेन उठाए कर सकते हैं, कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूँ, पहले मेरा समझ लो, ठीक है, उसके बाद 2 क्वेश्चन मैं दूंगा, आप करके देखना आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूले से करा देता हूँ बड़ा बड़ा, फिर हम बताते हैं छोटा कैसे होता है। हमें एक फॉर्मूला आता है, आओ लगा लेनी, तो फॉर्मूला बुरा ना मान जाए। अमाउंट इज इक्वल टू, अरे बता फॉर्मूला क्या है, मतलब यूज नहीं कराया तो भूल तो नहीं गए। कुछ प्रिंसिपल इतना हो जाता है और जो हो जाता है वो क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है, ठीक। तो उसने बोला कि प्रिंसिपल कितने गुना हो जाता बेटा, 9 वर्ष में 2 गुना, यानी पी हो गया कितना, 2p 1+r/100 की पावर कितने वर्षों में, 9 वर्षों में, पी से पी क्या हुआ, ठीक। अब हमें वो कितने गुना बनाना है, 64 गुना, यानी हमें 2 से बनाना है कितना, 64, क्लियर। अब आप ये देखो कि जब हमने SI वाला क्वेश्चन किया था, जब हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, सिंपल इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT, मतलब जो T आता है वो मल्टीप्लाई में आता है, तो हम क्या बोलते थे, किसका मल्टीप्लाई करें कितना आ जाए, और वो क्वेश्चन तुरंत खत्म हो जाता था। लेकिन इसमें जो टाइम है वो किस में आ रहा है, पावर में आ रहा है, किस में आ रहा है, पावर में। तो हमें यह देखना है कि हम 2 में किसकी पावर लगाएं कि 64 आ जाए, 6 की, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 6 की पावर लगाएंगे। तो हमने अगर 2 की पावर 6 यहां किया तो यहां पर भी तो पावर 6 लगानी पड़ेगी कि नहीं, बोलो। अब पावर 6 लगाने का मतलब क्या है, पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता मल्टीप्लाई कि नहीं, यानी ये बना मेरा 1+r/100 और 9 छक्का 54, यानी 54 ईयर्स, हमारा यही तो टाइम होता ना, 54 ईयर हमारा क्या हो गया, ठीक। ये तो हो गया बड़ा बड़ा, है ना, छोटा छोटा हम ऐसे समझ सकते हैं क्या, कि भाई a^m = लिख सकते हैं m×t, a^m = m×t, a क्या है, 2 गुना था, है ना, कितने वर्षों में, 9 वर्षों में, है ना, हमें कितना बनाना है, 64 गुना। बस हमें इतना याद रखना है कि अमाउंट से अमाउंट बनाने के लिए जिसकी पावर लगाते हैं, अमाउंट से अमाउंट बनाने के लिए जिसकी पावर लगाते हैं उसका टाइम में कर दो मल्टीप्लाई। तो 2 से 64 बनाने के लिए पावर किसकी, 6 की, तो यहाँ 6 का गुणा 9 6 जा आंसर हो गया, क्लियर है बात, ठीक। तो हमें इसका ना यूज करके किसका यूज करना है, इसका, इतने समय हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। मैंने क्या बोला कि अमाउंट से अमाउंट बनाने के लिए जिसकी
पावर लगाते हैं उसका टाइम में मल्टीप्लाई। क्लियर है बात, इसे नोट कर लो जल्दी से। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फिर आज की क्लास को द एंड करते हैं। यदि कुछ प्रिंसिपल 11 वर्षों में अपने आप का 11 वर्षों में अपने आप का 3 times हो जाता है, 3 गुना 3 times हो जाता है, तो अगर पेन उठा के बताया ना तो बेकार ही हमारा पढ़ाना, ठीक है। तो कितने वर्षों में ये अपने आप का, कितने वर्षों में यह अपने आप का 81 times हो जाएगा। आंसर 44। क्लियर है, 44 साल। 3 से 81 बनाने के लिए पावर लगाई किसकी, 4 की, 11 4 = 44। आंसर आ गया, ठीक। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, यदि कुछ प्रिंसिपल 15 वर्षों में 15 years यदि कुछ प्रिंसिपल 15 वर्षों में अपने आप का 15 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, 8 times अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह अपने आप का 16 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में यह अपने आप का 16 गुना हो जाएगा। आंसर 30। पहला गलत, दूसरा गलत, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। जिसकी पावर लगाते हैं ना कि जिसका गुणा करते हैं, जिसकी पावर लगाते हैं उसका मल्टीप्लाई। मैं बताने की कोशिश करूं कुछ शायद अच्छा बता पाऊं, ठीक है। देखो हाँ, देख दो, सबसे पहले कितने गुना हो जाता, 8 गुना कितने वर्षों में, 15 years में 8 times हो रहा है। बनाना कितना है, हमने ऐसा कोई पहाड़ा नहीं पड़ा कि 8 में पावर लगा दो तो 16 बन जाए। 8 से 16 बना सकते हैं, नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या हम 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, हैं? और 16 को 2 की पावर 4। अब आप ये देखो, हमें 2 की पावर 4 ही तो बनाना है यहाँ पे। अगर हम 4 का पावर लगा दे तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, 4 3 12 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कितना, 4 12 में किससे डिवाइड करें 4 आ जाए, 3 से। अगर मान लो मैं यहां 7 बनानी होती, कितनी बनानी होती, 7, तो 7 पावर लगा देते, 3 से डिवाइड कर। क्लियर है, आप ये देखो ना, 2 की पावर 3 में अगर 4/3 की पावर लगाओगे, 3 3 कट गया, बचा कितना, पावर तो बन गई ना। अगर मान लो यहां पे 5 होता कितना होता, 5, और यहां पे बनाना होता कितना, 7, तो किसका गुणा, पावर लगाते 7/5, ठीक है। तो जिसकी पावर लगाते यानी 4/3 का, उसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15 20 साल। आंसर देखो फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ना दिख नहीं रहा, देखो 2 की पावर 3 है, बनाना कितना, 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 कैसे बनेगा भाई, 3 से 4 कैसे बनेगा, सबसे पहले 4 की पावर लगा दी, अब 3 एक्स्ट्रा है ना, तो 3 से डिवाइड कर। क्लियर, तो जब भी ऐसे पावर बनानी हो तो आप ऐसे कर सकते हो। अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन हो सकता है क्या, कि सर अगर ऐसा बोल दिया कि भाई 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में ये 34 गुना हो जाएगा, तो 2 में तो सर कोई पावर ही नहीं लगती कि 34 times हो जाए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग 9th class में पढ़ते थे, क्योंकि पीछे एक टेबल होती थी, कौन सी, लॉगरिथम, लॉग टेबल होती थी, लॉग टेबल से पावर आ जाती थी आगे, ऐसा वैसा होता था, लॉग ए वाला वो, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो फिर हम लोग ऐसे बना सकते हैं, आ गई होगा समझ में अच्छे से। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू।